सिनेमाघरों में साउथ और बॉलीवुड फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत की फिल्म काला रिलीज हो गई। जिस तरह देश और दुनिया में रजनीकांत के फैंस की दीवानगी है, ये कहा जा सकता है कि काला इस साल की बड़ी हिट शामिल हो सकती है। इतना ही नहीं, अगर बात करें 7 जून की, तो साउथ में अवकाश भी रखा गया था जिसे उनके फैंस को फिल्म देखने में कोई परेशानी ना हो। रजनीकांत पहले से सुपरस्टार हैं जिनकी फिल्म जिस दिन रिलीज होती है उस दिन की छुट्टी हो जाती है। खैर, आपको बता दें कि फिल्म ने रिलीज से पहले ही 230 करोड़ की कमाई कर ली थी। इस फिल्म में थिएटिकल और म्यूजिकल राइट्स के पैसे शामिल हैं। वहीं उम्मीद लगाई जा रही है कि 280 करोड़ और ये मूवी कमा लेगी। इसे ब्लॉकबस्टर होने से कोई नहीं रोक सकता। बताया जा रहा है कि करीब 140 करोड़ रुपए में बनी इस मूवी को अभी तक थिएटिकल और म्यूजिकल राइट्स से अगर बात करें तो 230 करोड़ की कमाई कर चुकी है। इसमें से मूवी को तमिलनाडु में 70 करोड़, आंध्र प्रदेश से 33 करोड़ और केरल से 10 करोड़ रुपए के थिएटिकल राइट्स के रूप में मिल चुके हैं। ओवरसीज राइट को 45 करोड़ रुपए में बेचा जा चुका है। वहीं ब्रॉडकास्ट राइट को 70 करोड़ का म्यूजिक राइट्स के 5 करोड़ कमा लिए हैं। इस हिसाब से फिल्म 230 करोड़ की कमाई पहले ही कर चुकी है। वहीं सलमान की आने वाली रेस 3 से कहीं ज़्यादा ये हो चुका है। सलमान की रेस 3 के थिएटिकल राइट्स इरोस इंटरनेशनल को 190 करोड़ में ही बेचे गए, जो उनकी पहली फिल्म है जिसके थिएटिकल राइट्स सबसे ज़्यादा कीमत के बिके हैं, जो ऐसे रजनीकांत सलमान खान से कहीं आगे निकल चुके हैं। यानी कि सलमान खान को पीछे छोड़ते हुए रजनीकांत ने नया रिकॉर्ड बना लिया है। और भी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें देखो देखो, और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि रेस 3 और काला की टक्कर में कौन जीतेगा, क्योंकि अगले 7 दिनों में रेस 3 रिलीज़ होने वाली है।